हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर। सो जैसा कि हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन्फॉर्म किया था आप लोगों को कि एएमयू अपने फॉर्म करने वाला है रिलीज। ओके सो उसी की नेक्स्ट डेट में आपके 17 अप्रैल को यहाँ पे आपके फॉर्म आ गए थे और 16 अप्रैल को हमने इन्फॉर्म किया था आप लोगों को कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम विल बी अवेलेबल सून ऑन ऑफिशियल वेबसाइट www.amucontrollerexam.com। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके स्कूल के अवेलेबल हो गए वेबसाइट में फॉर द कोर्स 6/9। ओके फर्स्ट 6/9। सो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात आती है जो आपका एएमयू ने रिलीज किया है फॉर्म। जो उसमें आपके डिटेल्स गिवन है वो है आपके पास जो एंट्रेंस एग्जाम होगा फर्स्ट और सिक्स का वो होगा आपका यहाँ पे 19 जून। और अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है आफ्टर 1 वीक 19 ऑफ जून के बाद आपका 26 जून। सो ये आपके एंट्रेंस की डेट है जो आपको यहाँ पे एग्जाम की गिवन है। और इसकी जो ड्यूरेशन है आपकी 2 2 आवर्स की है। जैसे आपको पता है 2 2 आवर्स का यहाँ पे एंट्रेंस है आपका। और आगे यहाँ पे आपका टाइमिंग गिवन है इसमें 9 AM, ठीक है, मॉर्निंग में आपका फर्स्ट क्लास का है 19 जून को, और उसका इवनिंग में 6th क्लास का मेंशन है 4 PM। और जो 9th का है वो है आपका 26 जून और टाइमिंग है इसकी 10 AM। सो ये आपके पास यहाँ पे टाइमिंग की बात है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो फॉर्म की जो फिल करने की डेट थी वो आपकी 17 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी, तो फॉर्म आपकी 17 अप्रैल से रिलीज हो गए थे। और जो आपकी यहाँ पे फाइनल डेट है फॉर्म फिल करने की विदाउट लेट फी वो आपके 12 मई थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और आपका जब विद लेट फी अगर आप पेमेंट करना चाहो, लेट फी 300 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस आप पे करोगे, तो उसमें आपका 13 मई के बाद भी आप उसको 19 मई तक फिल कर सकते हो। तो ये बात हमारे पास यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में गिवन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आपका कि आपके पास क्या सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, कितनी बॉयज में सीट्स हैं आपकी, कितनी गर्ल्स में सीट्स हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट सिक्स एंड नाइन्थ टोटल क्वेश्चंस आपके 85 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एएमयू 9th 6th फर्स्ट एंट्रेंस में और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। सो यहाँ पे आपको मैथ्स का जो वेटेज होता है वो 30 मार्क्स का होता है आपका वेटेज, 30 मार्क्स का साइंस का वेटेज होता है और 25 मार्क्स का लैंग्वेज का वेटेज होता है। कितने मार्क्स हैं टोटल, 85 मार्क्स हैं रिटन टेस्ट में, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होता है रिटन टेस्ट की फॉर्म में। उसी की डेट आपकी 19 ऑफ जून है फर्स्ट और सिक्स की और 26 जून है आपकी क्लास 9th की। टोटल 85 क्वेश्चंस होंगे रिटन टेस्ट की फॉर्म में। जब आप उसको क्वालिफाई कर लोगे तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का। अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास मिंटो सर्किल की सीट्स हैं 35 बॉयज में, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम में। और एबीके यहाँ पे आपके पास एबीके की है यहाँ पे यूनियन की 35 सीट्स, अब्दुल्ला स्कूल की है यहाँ पे 70 सीट्स, ये बॉयज की बात हो रही है। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम में, गर्ल्स स्कूल की है यहाँ पे एमयू गर्ल्स स्कूल की 35 नंबर ऑफ सीट्स, एमयू एबीके हाई स्कूल की है 35 सीट्स, अब्दुल्ला स्कूल की है 70 सीट्स। तो ये हमारा सीट्स का डिस्कशन है। उर्दू मीडियम की बात करें एमयू सिटी स्कूल में ही आपके पास प्रेजेंट है 45 नंबर ऑफ सीट्स। और गर्ल्स में अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स में एएमयू गर्ल्स स्कूल है 40 सीट्स हैं इसमें और एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल है इसमें आपकी 90 सीट्स हैं। ये फर्स्ट है हमारा फर्स्ट एंट्रेंस और इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब आपको क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन दी टेस्ट। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, जो आपका लैंग्वेज का पोर्शन होगा 25 मार्क्स का उसमें मिनिमम 40% आपको लेके आने, विच मीन्स आपको यहाँ पे 40 का 40% लाने 25 में से, तो 10 आपको मिनिमम चाहिए लैंग्वेज में। बाकी उसके बाद आपके आगे के क्वेश्चन चेक होते हैं। सो मिनिमम आपका टारगेट कितना रखना है आपको लैंग्वेज का, 25। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है लेट फी और आपका यहाँ पे कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सिक्स की अगर बात करें यहाँ पे मिंटो सर्किल की सीट से आपकी एसटीएस स्कूल की 40 और सिटी स्कूल की सीट से यहाँ पे 40, ये बॉयज की बात थी। और गर्ल्स में एमयू गर्ल्स स्कूल में है 40 सीट्स, 40 नंबर ऑफ सीट्स। एमयू सिटी स्कूल की अगर मैं बात करूँ, उर्दू मीडियम में 40 सीट्स होती है और गर्ल्स स्कूल में एमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में 45 नंबर ऑफ
सीट्स होती हैं आपकी उर्दू मीडियम में। ओके सो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आगे हमें ये चीजें क्लियर करनी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया है, चाहे मैं फर्स्ट की बात करूँ, सिक्स की बात करूँ या नाइन्थ एंट्रेंस की बात करूँ। नाइन्थ एंट्रेंस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मिंटो सर्किल में आपकी 90 नंबर ऑफ सीट्स हैं, एएमयू सिटी स्कूल में 90 सीट्स हैं, एएमयू एबी के हाई स्कूल में 90 सीट्स हैं। ये इंग्लिश मीडियम की बॉयज की बात हो गई। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, 90 सीट्स आपकी यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में है और एबी के हाई स्कूल में यहाँ पे 90 नंबर ऑफ सीट्स हैं। बाकी यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लैंग्वेज में मिनिमम 40%। ओके सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और डेट आपको याद रखना है, डेट क्या है, फाइनल डेट हमारी जो फॉर्म फिल करने की है वो है 12 मई। ओके 12 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो विदाउट लेट फी। और अगर आपको विद लेट फी पे करना है तो 13 मई से 19 मई तक आप उसको फिल कर सकते हो। ओके उसमें आपका 300 एक्स्ट्रा चार्जेस कट होगा। आगे अगर हम मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे एएमयू की बात करी, इसी तरीके से आपको यहाँ पे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया का अप्लाई करना है, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो नर्सरी और यहाँ पे 7 जून जिसकी डेट गिवन है, ओके और 8 जून है, 8 जून ये फर्स्ट की है, तो ये तो आपका यहाँ पे लॉटरी के थ्रू यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है जैसे आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे ये जो सिक्स एंट्रेंस है आपका, नाइन्थ एंट्रेंस है, इलेवेंथ एंट्रेंस है, ओके इलेवेंथ साइंस आर्ट्स कॉमर्स, सो इसकी डेट आप आ गई है, फॉर्म फिलअप करने की है 15 अप्रैल से लेके 13 मई तक। 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिल करना और लास्ट डेट आपकी 13 मई तक है इसमें। तो आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहो, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया में। ओके और ये हमारे पास डेट्स है सिक्स एंट्रेंस की, 5 जून को है हमारा, ओके टाइमिंग 10 to 12, और 4 जून को है हमारा नाइन्थ एंट्रेंस। ओके मतलब एक दिन पहले आपका नाइन्थ एंट्रेंस है 10 to 12 सैटरडे में। और बात करें यहाँ पे 11th एंट्रेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपका यहाँ पे 31 मई को एग्जाम है, ओके और इसकी टाइमिंग है आपकी 10 to 12 साइंस के लिए, और 1 जून को आपका नेक्स्ट डे में आपका यहाँ पे आर्ट्स के लिए, अगर आप आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो 10 to 12 है, और कॉमर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, तो ये भी आपका सेम डेट पे है, बस टाइमिंग क्या है इसकी डिफरेंट है, डेट इज 2 to 4। सो ये हमारी बात हो गई यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास लास्ट यहाँ पे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके जो फॉर्म से 1 अप्रैल को आ चुके थे, ओके और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 30 अप्रैल। तो याद रखिए अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल या सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में, उसमें आपका 1 अप्रैल से फॉर्म रिलीज हो चुके और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो आप फिल कर सकते हो इसको, लास्ट डेट 30 है। ओके और इसमें अगर कोई भी करेक्शन आपको करना है तो 2 मई से, ठीक है 2 मई से लेके 7 मई तक आप उसको करेक्ट कर सकते हो। और जो लॉटरी आपको पता है इसमें भी BHU में यहाँ पे आपका ई मतलब कंप्यूटर बेस्ड लॉटरी होगा 6th और 9th में, जैसे होता है 28 मई को डेट दी गई है इसकी, ठीक है टेंटेटिव डेट है। और इसमें अगर बात करें यहाँ पे 6th और 9th का यहाँ पे डेट आ गई है आपकी यहाँ पे एग्जाम की, 23rd जून है हमारा। ओके मतलब ये आपका जो लॉटरी होगा वो डेट आपको यहाँ पे गिवन है, 23rd जून फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग 28 जून, और 24 जून 9th की है, ओके और सेकंड काउंसलिंग इसकी 29 जून। सो अभी यहाँ पे 11th के जो एग्जाम होंगे एंट्रेंस के वो अभी आपके यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि ये आपके आफ्टर बोर्ड होंगे। सो हम लोगों ने बात कर ली है यहाँ पे हमने AMU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, ओके BHU के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। सो आपको आइडिया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। जैसा कि आप सबको पता है अलीगढ़ कोचिंग सेंटर, जैसा कि लास्ट ईयर हम लोग का रिजल्ट फर्स्ट रैंक 2020 जनरल रैंक थी हमारी, 2021 में सेकेंड रैंक जामिया में आई थी, ओके थर्ड रैंक जनरल कैटेगरी में जामिया में मुदित शर्मा, ओके रुकैया खिजर सेकेंड रैंक, मरियम फर्स्ट रैंक। सो ये हमारा 11th एंट्रेंस का सिलेक्शन था। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ओके एक बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग में है, नेक्स्ट न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस डेट में 25 अप्रैल में, और एक बैच हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर ईद। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो 11th साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए, ओके तो हम लोग को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो इस गिवन नंबर पे।
और अगर आप अप्लाई कर रहे हो सिक्स एंट्रेंस के लिए, नाइन्थ के लिए, एडमिशन के लिए KMU, जामिया, BHU, सो जैसा कि आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में, ओके, सो ये हमारी रैंकर्स हैं जो आपको यहाँ पे गिवेन है, ओके, सो KMU में एडमिशन के लिए एकमात्र है विकल्प ACC, सो ज्वाइन कीजिए अलीगढ़ कोचिंग सेंटर, ओके, सो इस गिवेन नंबर पे आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.